बार आपकी मार्जिन क्या होने वाली है? पिछले बार 2,95,000 से जीते थे, हम समझ रहे हैं कि आप जीत ही रहे हैं क्योंकि ये तो आपका फिफ्थ डॉम है। तो शत्रुघ्न सिन्हा को 2,95,000 से हराया आपने, इस बार कैंडिडेट को कोई जान नहीं रहा है, तो क्या बीजेपी 400 पार करेगी और आप 4,00,000 पार करेंगे? जनता का आशीर्वाद। मैंने शत्रुघ्न सिन्हा का 19 के चुनाव में कभी नाम नहीं लिया था। पटना की आवाज़ खामोश नहीं रहेगी, जनता ने आशीर्वाद दिया, इस बार उम्मीद करता हूँ जनता और आशीर्वाद देगी। हमारे प्रदेश की जनता, पटना साहिब की जनता एक स्थायी सरकार चाहती है, एक विकसित भारत, और वो नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, ये उनको विश्वास है, तो बहुत वोट मिलेगा। क्या क्या मुद्दे रहे महत्वपूर्ण मुद्दे इस बार, किस किस मुद्दे पर आपको लगता है कि वोटिंग चल रही है? 2 महीने में आप अनुभवी रहे। एक तो स्थायी सरकार, ये मुखिया का चुनाव नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, एक तो वो है, और बाकी आप देखिए विकसित भारत, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, ये सब कुछ है। ठीक है, राहुल गांधी तो कहते हैं कि उनकी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 9 बजे तक के मतदान प्रतिशत आ गए हैं। सुबह 9 बजे तक मतदान प्रतिशत हुआ है 11.31%। यूपी में 13 सीटों पर 12.94% मतदान हुआ है। बिहार में सुबह 9 बजे तक 10.58%, चंडीगढ़ में 11.64%, हिमाचल में सुबह 9 बजे तक 14.35%, झारखंड में 12.15% मतदान हुआ है। ओडिशा में फिलहाल सबसे कम 7.69% वोटिंग हुई है, जबकि पंजाब की बात करें तो 9 बजे तक 9.64% मतदान दर्ज किया गया है। आखिरी चरण का ये रण जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और इस वक्त लगातार जो मतदान प्रतिशत है वो भी मेरी सहयोगी सुजाता आपको यहाँ पर बता रही थी। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट से परिचय करवा देती हूँ। नीलू रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और साथ ही साथ हमारे साथ मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, संजय मिश्रा हमारे साथ हैं, अश्विनी मिश्रा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन नीलू रंजन जी, आपसे मैं शुरुआत यहाँ पर करना चाहूंगी, किस तरह से देख रहे हैं आप इस आखिरी चरण के रण को, क्योंकि इसमें सब कुछ झोंक दिया गया है, सर्वस्व जैसे न्यौछावर करने की बात होती है तो वो कर दिया गया है इन 57 सीटों पर, और जिस तरह से ये मतदान प्रतिशत आ रहा है ये क्या कह रहा है अभी? देखिए, एक सुखद संकेत है, जो मतदान पहले चरण में कम हुआ था और धीरे-धीरे जैसे चरण बढ़ते गए वैसे-वैसे मतदान जो है वो बढ़ता गया, उतना नहीं पहुंचा जितना 2019 में था, क्योंकि इस बार कोई बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं है, किसी को हराने जिताने के लिए नहीं है, मोदी फैक्टर हैं और मोदी के लिए लोग निकल के वोट दे रहे हैं। कुछ जगहों पे लोकल जो है वो एंटी इनकम्बेंसी कुछ सांसदों के खिलाफ हो सकती है, लेकिन मोदी के चेहरे पे पूरा का पूरा चुनाव लड़ा गया है, और लोग जो निकल रहे हैं आपके यहाँ, जो मैं देख रहा था, जो वोटर जो बोल रहे थे उनका भी वही था कि विकास के लिए हम वोट दे रहे हैं, और जो दिख रहा है मतदान का प्रतिशत वो दिखा रहा है कि जो पहले का ट्रेंड चला रहा था उसी ट्रेंड के हिसाब से रहेगा। मुझे लगता है कि इस बार मतदान प्रतिशत कुछ बढ़ेगा, लेकिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, तो हो सकता है कि 2019 वाला आंकड़ा इस बार भी ना पहुंच पाए।